आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिस इज़ न्यू चैप्टर स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास इसका साइंस का पीरियड है। आज हम लोग अपने साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, या जब हमारा इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा आज का काम, फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे से कलरफुल डायग्राम के साथ अपनी कॉपी में इसका काम कंप्लीट कर लीजिएगा। इंस्ट्रक्शंस इसकी बिल्कुल पुरानी इंस्ट्रक्शंस की तरह है कि यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू गिव योर फुल कॉन्सेंट्रेशन, यू हैव टू टेक आउट योर बुक्स, नोटबुक, स्टेशनरी आइटम बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। यू विल नीड सुपरविजन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू शुड एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, यूनिट 1 सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड एनिमल ऑर्गन्स and a few human organ systems like respiratory system, nervous system, circulatory system, so on and so forth. Now today we are going to start our topic, plants organs. Just like any animal, plant is also an organism, and so it has different organs. The plant organs are root, stem, leaves, flowers and etc. First of all, हम लोग सबसे पहले अपने फ्लावर पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द प्लांट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फ्लावर। फ्लावर जो है हमारे पास प्लांट का, वो उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ वे कि इसके अंदर स्टेम और पॉलन्स होते हैं, स्टेमन्स एंड पॉलन्स होते हैं। होता यह है कि हमारे पास एक जो प्लांट की प्रोपगेशन होती है वो फ्लावर के थ्रू होती है, कि फ्लावर्स जो है किसी किसी प्लांट में फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर सिर्फ फ्लावर्स ही बनते हैं, उनके अंदर फ्रूट्स नहीं बनता। फ्रूट बियरिंग प्लांट्स अलग होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट अलग होते हैं, लेकिन दोनों प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फ्लावर ही रहता है, क्योंकि फ्लावर अपनी सीड्स को शेड करता है एंड देन वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और उस तरह उस हमारे पास फ्रूटिंग प्लांट की जो प्रोपगेशन होती है वो ऐसे होती है कि हमारे फ्रूट के अंदर सीड्स होती हैं, या पूरा फ्रूट को हम लोग ज़मीन में दबाते हैं देन फिर एक नया प्लांट निकलता है। जैसे कि एप्पल के अंदर सीड्स होती हैं, एप्पल की सीड्स से एप्पल ट्री निकलता है। इसी तरह मैंगो की जो सीड है, मैंगो की जो गुटली हम लोग कहते हैं आम जबान में, मैंगो की जो सीड है उससे भी मैंगो को उगाया जाता है, लेकिन हम लोग जो आम खाते हैं वो कलमी आम, यानी वो स्टेम से उसकी ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं। इसके अलावा फ्लावर्स हैं जितने हमारे पास, लाइक मोतिया, वी हैव मोतिया है, और बहुत से कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि सीड से फ्लावर्स बनते हैं, और कुछ हमारे पास फ्लावर्स ऐसे हैं जो कलमी फूल कहलाते हैं, जैसे कि हमारे पास रोज है वो कलमी फूल है। तो हमारे पास जो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो फ्लावर के अंदर होता है। अब अल्लाह मियां ने फ्लावर्स को इतना खूबसूरत इसलिए बनाया है, उसके अंदर डिफरेंट खुशबुएं, डिफरेंट स्मेल्स दिए हैं, डिफरेंट कलर्स दिए हैं, डिफरेंट चीज़ें दी हैं जो वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट्स आते हैं फ्लावर के ऊपर, वो उसका नेक्टर यूज़ करते हैं, नेक्टर यूज़ नहीं भी करते तो सिर्फ उस पर आके बैठते भी हैं, तो उनके ना जो हमारे पास स्टैमेंस होती हैं, जो पॉलिन ग्रेन्स होती है हमारे पास, वो एक फ्लावर से, वो समझे कि उस एनिमल्स के थ्रू डिफरेंट फ्लावर के ऊपर वो जाके कैरी होती है। इस तरह वो फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। यानी फ्लावर का जो मेन किसी भी प्लांट का जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है फ्लावर। देन वी हैव स्टेम। स्टेम का फंक्शन बिल्कुल हमारे स्केलेटन की तरह होता है, कि वो हमारे प्लांट की बॉडी को स्टेम जो है वो सपोर्ट देता है। इसके अलावा स्टेम के अंदर जो हमारे पास जो प्लांट होता है उसको वाटर और मिनरल जो है वो सॉइल से मिलते हैं। रूट हेयर से वो मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब होते हैं और वो स्टेम के थ्रू वो लीव्स में आते हैं। तो स्टेम जो है वो कंडक्शन का काम भी करता है, इट प्रोवाइड्स एरिया फॉर कंडक्शन, एज वेल एज स्टेम जो है वो सपोर्ट देता है हमें प्लांट को। तो स्टेम यूजली ग्रोज अपवर्ड टुवर्ड्स द लाइट। ज्यादातर स्टेम जो होती है वो लाइट की तरफ मूव करती है, यानी वो ग्राउंड से अबव उनकी ग्रोथ होती है। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल सॉल्ट टू द लीव्स एंड फूड अराउंड द प्लांट। और फिर जब लीफ अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है तो फिर वो स्टेम के थ्रू वो रूट्स तक आते हैं,
और वो स्टेम के थ्रू डिफरेंट लीव्स में जाते हैं फूड, यानी कंडक्शन जो है मैं प्लांट के अंदर वो स्टेम के थ्रू होती है। थर्ड ऑर्गन जो हम लोग पढ़ेंगे वो लीव्स। लीव्स का बेसिक फंक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस करना, यानी प्लांट का फूड प्रिपेयर करना है। लीव्स के अंदर सो मेनी क्लोरोफिल ऑन लीव, और इन क्लोरोफिल की मदद से प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, एक ग्लूकोज एक टाइप की शुगर होती है उसमें कन्वर्ट करता है, जो कि दैट इज द फूड ऑफ द प्लांट। प्लांट को हमारी तरह मीट की, एग की, प्रोटीन की, कैल्शियम की जरूरत नहीं होती, उसको ग्लूकोज की जरूरत होती है, और ग्लूकोज जो है वो क्लोरोफिल की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर। तो लीफ आर द ऑर्गन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर लीफ कोई बेसिक फंक्शन पूछे तो लीफ आर द ऑर्गन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। लास्ट ऑर्गन जो हम लोग अपने प्लांट का पढ़ेंगे वो है रूट। इस पिक्चर में आप देखें, इसके ये वाली पिक्चर लगाने का मकसद ये है कि इसके अंदर आपको रूट्स भी नजर आ रहे हैं और आपको इसके अंदर रूट हेयर्स भी नजर आ रहे हैं, जो छोटे छोटे व्हाइट कलर के जो बिल्कुल ग्राउंड के अंदर आपको इधर निकल नजर आ रहे हैं हॉरिजॉन्टली, वो रूट हेयर्स हैं, और जो वर्टिकल जो ग्राउंड के अंदर प्रोपगेट कर रहे हैं वो है रूट्स। रूट्स का फंक्शन ये होता है कि वो प्लांट को जमीन में एंकर करते हैं, यानी एंकर करना यानी जमाना या स्टेबल रखना, स्टे करना, ताकि प्लांट्स उड़ के गिर ना जाएं या उड़ के इधर से उधर ना हो जाएं, क्योंकि प्लांट के अंदर कोई ऐसा स्केलेटन नहीं होता कि वो अपने आप को सपोर्ट करे। तो रूट्स जो है एक तो ऊपर यानी अबव ग्राउंड प्लांट को सपोर्ट मिलती है स्टेम के थ्रू, और अंडरग्राउंड जो प्लांट को एंकर किया जाता है वो रूट्स करते हैं। रूट्स की जो बेसिक फंक्शन है वो एंकर करना है प्लांट को, और दूसरा जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है कि उसके जो रूट हेयर्स होते हैं वो मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल, ताकि प्लांट जो है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना खाना बना सके, सो दैट इट कैन प्रिपेयर फूड। तो ये चार ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स हमने पढ़ लिए, हम लोगों ने एनिमल ऑर्गन्स पढ़ लिए, हम लोगों ने ह्यूमन के ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ लिए थे।